गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर कंज्यूमर राइट्स। अभी तक हमने पढ़ा था डेवलपमेंट, फिर हमने पढ़ा मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद अब बात की जा रही है कंज्यूमर राइट्स की। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कंज्यूमर कौन है। तो कंज्यूमर होते हैं हम आप, जो मार्केट से चीज़ें खरीदते हैं और चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है एज अ कंज्यूमर हमारे क्या राइट्स हैं और ऐसे कौन से मूवमेंट्स पड़े, मतलब कौन कौन से मूवमेंट हुए जहाँ पे यहाँ ये दिखाया गया, ये ज़रूरी हो गया जानना कि एज अ कंज्यूमर हमारे क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहले अगर डिफाइन करने की बात की जाए तो हम कह सकते हैं अ पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज एंड यूजेस इट, वो तो हो गए कौन, कंज्यूमर। तो अब मार्केट में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पे हमें मैनिपुलेट किया जाता है, हमें ख़राब चीज़ें दी जाती हैं और अगर हम कहने जाते हैं तो हमें डांट कर वापस भगा दिया जाता है, या और भी ऐसे तरीके हैं जहाँ पे हमारा कितना भी नुकसान हो जाए हम चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो लेकिन अभी हमारे पास ऐसे कई सारे राइट्स हैं, कंज्यूमर फोरम है, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं जहाँ पर हम जाते हैं और क्लेम करते हैं और हमें उस क्लेम के बदले उस सामने वाले व्यक्ति से जिसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है हमें पैसे मिलते हैं या जो भी हमें चाहिए होती है उसके बदले हमें वो कंपनसेशन मिलता है। तो अगर बात करें कि हाउ अ कंज्यूमर इज मैनिपुलेटेड इन द मार्केट, तो कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस आर एक्सप्लॉयटेड इन वेरियस वे, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला क्या है, अगर हम बात करें थिंग्स आर सोल्ड एट मोर MRP। कई बार आपने देखा होगा जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पे MRP कुछ लिखा होता है लेकिन वो हमें उस MRP रेट से ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो कहते हैं, जो दुकानदार होता है उनका लॉजिक होता है, जी हम लेके आए हैं, हमने इसको ऐसी दुकान में लगा रखी है, हमारे एम्प्लॉई हैं, हमें बहुत सारे खर्चे देने होते हैं, तो इन सब बहाने से वो MRP से दिए हुए रेट से ज़्यादा दाम पर हमको चीज़ें बेचते हैं। उसके अलावा समटाइम्स शॉपकीपर्स डिक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। आपने देखा होगा सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं या पेट्रोल पंप पे हैं, हम कोई चीज़ें लेते हैं तो अगर हमने लिया है 1 किलो का सामान तो हमें वो 900 ग्राम मिलता है, पेट्रोल जो हमने 1 लीटर डलवाया वो 1 लीटर से कम दिया जाता है लेकिन जो चार्जेस हैं वो पूरे पूरे लिए जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसके अलावा डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, आपने कई बार देखा होगा कि जो चीज़ें हैं हमें डिफेक्टिव मिल जाती हैं, हमें दिखाया तो जाता है कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में हमें चीज़ जो या प्रोडक्ट है वो दिखाया जाता है कि एप्पल का मोबाइल है या सैमसंग का मोबाइल है लेकिन जब वो हमारे पास आता है तो वो किसी लोकल ब्रांड का मोबाइल होता है या जो उसके कलपुर्जे होते हैं वो क्या होते हैं, वो लोकल कंपनी के होते हैं। इसके अलावा एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन से हम क्या समझते हैं, यानी मिलावटी चीज़ों में मिलावट करके बेचना। इसका सीधा सा एग्जांपल है दूध, दूध हम 60 रुपये लीटर लेते हैं लेकिन क्या आप कह सकते हैं गारंटी के साथ कि आप जो वो दूध ले रहे हैं वो प्योर है? नहीं, उसमें भी जो दूध दिया है पानी मिलाकर बेचता है। फेस्टिवल के टाइम पे हम मिठाइयाँ खरीदते हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है, तो जब दूध में पानी मिलाते हैं तो मिठाइयों में वो प्योर घी या प्योर मावा कैसे मिला सकते हैं? तो ये सारा एग्जांपल है एडल्ट्रेशन का। उसके अलावा क्या कह रहा है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कभी कभी चीज़ों को लेके, यानी किसी भी प्रोडक्ट को लेके जो दुकानदार है या जो कोई ऐड है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है। TV पे बहुत सारे ऐड आते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बात कर लीजिए, क्रीम की बात कर लीजिए, और क्या कहते हैं बच्चों की जो टॉनिक होती है उन सब के बारे में बात कर लीजिए। तो क्रीम, मोस्टली अगर क्रीम का एग्जांपल हम देखें तो उसमें ये कहा जाता है कि इसको लगाते ही आप जो हैं काले से गोरे हो जाएंगे। क्या करते हैं, पहले तो ये हमारे अपने जो एक्चुअल कलर है उसका मजाक उड़ाते हैं और हमें ये दिखाते हैं कि अगर आपने फेयर एंड लवली लगाया तो कुछ दिनों बाद आप इतने गोरे हो जाएंगे कि लोग आपको पहचान नहीं पाते, जबकि रियल में क्या होता है, उस क्रीम का बैक डिफेक्ट होता है, हमारी स्किन जो होती है वो अपनी जो नेचुरल ग्लो है वो खो देती है और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो किसी भी फेयरनेस क्रीम की वजह से हमारी स्किन को झेलना पड़ता है। तो ये बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन है जो एज अ कंज्यूमर हमें झेलने पड़ते हैं। तो जब ये बहुत तेज़ हो गया, यानी
हर टाइम पे जो कंज्यूमर है वो परेशान होने लगा, एक्सप्लॉइट होने लगा, तो 1960 तक आते आते जो ये मूवमेंट है ये बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, लोग इसमें जुड़ने लगे। सबको यही था कि एज अ कंज्यूमर हमारे साथ ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी। और 1960 से स्टार्ट होते होते 1970 में ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप बन गया। यानी 1960 से होते होते 1970 आ गया, लोग धरना प्रदर्शन करने लगे, जर्नल छपने लगे, लोग अपनी बातों को रखने लगे। तो फाइनली सरकार को, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को 1986 में हमारी सरकार एक बिल लेकर आई जिसे हम कोपरा एक्ट के नाम से जानते हैं। कोपरा एक्ट क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें ये बताया गया कि एज अ कंज्यूमर हमारे क्या राइट्स हैं और अगर हमारे साथ धोखाधड़ी की जाती है तो कौन कौन से पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। इसी के तहत जब हमारे यहाँ 1986 में ये बिल पास हुआ था, उसी के ठीक एक साल पहले 1985 में यूएन, यूनाइटेड नेशन ने भी एक बिल पास कर दिया था जिसमें हर कंट्री के लोगों को जो भी बिजनेस रिलेटेड थी उनको ये बताया गया था, कुछ गाइडलाइंस थे कि इन्हीं के तहत उन्हें अपना बिजनेस करना है ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनका नुकसान कम से कम हो। तो इन्हीं सब के चलते कंज्यूमर मूवमेंट्स को चलाने के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बने थे। ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन बनी वो तकरीबन अगर बात की जाए 115 देशों में थी। 115 देशों की इन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर तकरीबन 220 प्लस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, यानी इतनी ज़्यादा संस्थाएं बनी कंज्यूमर मूवमेंट से लेकर। तो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपने अपने देशों में जो कंज्यूमर राइट्स हैं उनको लेकर अवेयरनेस फैलाती हैं और कंज्यूमर के क्या कहते हैं वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तो एक और इन 200 ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में ये बाकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, जिसे हम कह सकते हैं इट्स वर्क लाइक अ अम्ब्रेला बॉडी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं या ऐसा क्या है जिसके तहत जो कंज्यूमर है वो अपने राइट्स का यूज कर सकता है। तो जैसा कि आपने देखा जो कंज्यूमर्स हैं वो तरह तरह से एक्सप्लॉइट होते हैं, तो उन्हीं अधिकारों को जगाने के लिए जो गवर्नमेंट है कई सारे रूल बनाए। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ बेसिक राइट्स एज अ कंज्यूमर। तो पहला क्या कह रहा है, राइट टू सेफ्टी। तो हमें गवर्नमेंट ने एज अ कंज्यूमर अधिकार दिया टू सेफ्टी, यानी कि हमें जो भी चीज़ें मिले वो सेफ हो, ऐसा ना हो कि उनको यूज करके हम बीमार हो जाएं या इतना वो घातक हो जाए हमारे लिए कि हमारी मौत हो जाए। जैसे कि सिगरेट का एग्जांपल लें तो सिगरेट के लेबल पर लिखा होता है बैक साइड पे कि जो तंबाकू का सेवन हानिकारक है या जानलेवा है। तो ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्रोडक्ट है उसके अच्छी और बुरी बातों को एज अ कंज्यूमर पता होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, राइट टू इन्फॉर्म, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज अ कंज्यूमर हमें जानने का अधिकार है कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है और वो स्टैंडर्ड है या नहीं है। तीसरा कह रहा है राइट टू चूज़, अभी एज अ कंज्यूमर हमें ये राइट है कि हम चीज़ों को सेलेक्ट करके लें। जैसे कि हम किसी मार्केट प्लेस पे गए, अगर हम किसी दुकान पे गए और वो किसी प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है, तो उसकी कोशिश होगी कि हम वही प्रोडक्ट खरीदें जो वो बेचना चाह रहा है। लेकिन एज अ कंज्यूमर ये हमारा राइट है कि हम ये देखें कि हमें कोलगेट का टूथपेस्ट लेना है या पतंजलि का। आगे कह रहा है राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ मिल गई है जिससे हमें नुकसान हुआ है तो हम उसके बदले कंपेंसेशन हमें मिलता है और उस कंपेंसेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके अलावा राइट टू रिप्रेजेंट, यानी इसी का ये आगे कह रहा है, जहाँ पे हमारा डैमेज हुआ है और हमें कंपेंसेशन चाहिए तो हम
राइट टू रिप्रेजेंट के तहत कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारा दावा सही हो जाता है तो हमें उसके बदले क्या मिले, कंपनसेशन मिले। इसी में आगे बात आती है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI, जहाँ पे एज ए कंज्यूमर हमें ये राइट है कि हम सरकार से सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में डिटेल जान सके। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी गली में गली बन रही है और वो गली जो बन रही है वो अपने टाइम पे पूरी नहीं हो पाई या काम रोक दिया गया, तो हम RTI लगाकर ये जान सकते हैं सरकार से कि इस काम में देरी क्यों हो रही है या ये काम क्यों रोका गया। तो इसी के तहत जो कोपरा है, जहाँ पे हमने बात की थी राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसन कंपनसेशन, तो जो कोपरा है इसने क्या डिसाइड किया था, कंज्यूमर कोर्ट्स वर मेड, कोपरा के तहत ही कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए थे। अब ये जो कंज्यूमर कोर्ट्स है ये 3-लेयर सिस्टम है, यानी स्टेट, सॉरी, सबसे पहले आएगा डिस्ट्रिक्ट, फिर आएगा स्टेट, फिर आएगा नेशनल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यानी यहाँ पे कहाँ तक के चलेंगे, 20 लाख तक के जो भी केस हैं, जहाँ पे आपको लगता है एज अ कंज्यूमर कि जो नुकसान है वो 20 लाख तक है, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ये 20 लाख से ऊपर हो गया तो हम स्टेट में जाएंगे, ठीक है, 1 करोड़ तक, और नेशनल में 1 करोड़ से ऊपर के लिए हम जा सकते हैं। तो आपने देखा जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं वो 3-लेयर सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। डिस्ट्रिक्ट पे ये है कि अगर हमारा जो नुकसान है हम 20 लाख तक के कंपनसेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन हमें 20 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, तकरीबन 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का, तो हम स्टेट में जाएंगे, और स्टेट में 1 करोड़ से ज़्यादा है तो हम नेशनल पे जाएंगे। इसमें एक बात और है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट से हार गए तो स्टेट में जा सकते हैं, और स्टेट से हार गए तो हम नेशनल कंज्यूमर कोर्ट्स में जा सकते हैं।